gusto mo. Sara boroi ponoi ngai tong furu tum sa kaina bagi korang deka bubaga sabla tik ha bubaga 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 di prasara boroi ponoi ngai tong furu di prasara boroi ponoi ngai tong furu chuno so chana bagai khoran dekha aaj baaki bichha bubaga 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 मैं यहाँ आया हूँ आज ऋषि किदो से मिलने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सैल्यूट करता हूँ क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो आइडियोलॉजी को पार्टी पोजीशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। इन्होंने हमारा ग्रेटर तिपरलैंड और उससे पहले तिपरलैंड आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया, और क्योंकि उनको लगता है कि आज वो इशू असेंबली में कोई नहीं उठा रहा है, गवर्नमेंट चुपचाप है, और उनको लग रहा था कि वो हमारे संग आइडियोलॉजी में एक संग आए, तो उन्होंने रिज़ाइन किया। तो सॉलिडारिटी में मैं उनसे मिलने आया हूँ। आज मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, ये इंटरनल पार्टी मैटर है उनका, लेकिन मैं खुशी हूँ कि आज इरिस्पेक्टिव ऑफ IPFT तिपरा मोथा CPM BJP कांग्रेस, हम लोग सब तिपरालैंड या ग्रेटर तिपरालैंड के इशू में एक हो रहे हैं। आज हम लोग को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सिर्फ पार्टी के नाम में नहीं हो रहा है, आज हम सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। और अगर हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर एक इशू में हम लोग ने ज्वाइंट होकर एक बात किया तो इसमें हमारा तिपरासार लोगों का ही फायदा है। कुछ समीकरण का बात नहीं है, ऋषिकेतु और मैं पिछले एक साल से हम लोग कॉन्टैक्ट में हैं। जब तिपरा मोथा और IPFT का इलेक्शन के पहले अलायंस भी हुआ था उस समय भी ऋषिकेतु और हम ने पहले से बात किया था, क्योंकि हम चाहते थे कि तिपरासा का जो एजेंडा है, जो IPFT का एजेंडा है तिपरालैंड, और हमारा जो एजेंडा है ग्रेटर तिपरालैंड, एक प्लेटफॉर्म में आकर हम लोग दिल्ली में बात करें। तो उनके संग पहले से मेरा गुड पर्सनल रिलेशनशिप रहा है, और आज क्योंकि इन्होंने रिज़ाइन किया है और इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, मैं सॉलिडारिटी देने आया हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। पॉलिटिकल समीकरण होता है जब आप पहले से एक दूसरे से बात नहीं करते हो, मेंटेन नहीं करते हो रिलेशनशिप, और सडनली अगर मैं यहाँ आता तब उसका पॉलिटिकल मतलब लीजिए। ऋषिकेतु से मिलने के लिए मैं हमेशा मैंने मिला है, और हाँ अगर आज मैं मंगलदेव वर्मा से मिलने जाता उसका पॉलिटिकल आप समझिए, क्योंकि मंगलदेव वर्मा जैसे लोग से मैं बात नहीं करता हूँ। मेवाड़ से मैं मिलना जाता तो मैं मेवाड़ को बहुत पहले से जानता हूँ, तो उसमें कोई पॉलिटिकल वो होता नहीं। NC से मिला, हाँ NC से मेरा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, तो जब मैं जाता हूँ तब पॉलिटिकल, ये तो पर्सनल रिलेशनशिप है, पहले से रिलेशनशिप रहा है। मैं आया हूँ यहाँ, मैं रविंद्र बाबू आया है, हम लोग सब आए मिलने आए, क्या है, सॉलिडारिटी देने आए बस। इलेक्शन के टाइम पे हमने जो देखा था आपके साथ, मतलब मोथा के साथ IPFT का अलायंस हुआ था, लेकिन बीच में IPFT वालों ने बाहर निकल के आ गया, तो उसके बाद अभी ऋषिकेतु जी ने रिजाइन दिया, आप आए, मतलब IPFT की तरफ पहला अटैक है ऐसा बोल सकते हैं? मैं IPFT देखो अटैक बराबर से किया जाता है,
मैं आईपीएफटी को अपना दुश्मन नहीं समझता, मैंने कभी आईपीएफटी को अपना दुश्मन नहीं समझा। आईपीएफटी में बहुत अच्छे लोग हैं, आज भी मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छे लोग हैं आईपीएफटी में। और एक टाइम ऐसा था कि मैं आईपीएफटी ज्वाइन करने के लिए तैयार था, त्रिपुरा मोथा होने से पहले मैं रेडी था आईपीएफटी ज्वाइन करने के लिए। आईपीएफटी के चेयरमैन प्रेसिडेंट एनसी देवबर्मा ने खुद मुझे कहा कि आप आईपीएफटी ज्वाइन मत करो, आप अपना पार्टी खोलो और हम एक संग होकर इलेक्शन लड़ेंगे, वरना मैं तो रेडी था। तो मैंने आईपीएफटी को कभी दुश्मन नहीं समझा है। आईपीएफटी में दो तीन लीडर्स हैं जिनको खुद का एक बिजनेस है, उनका कारोबार है, और अगर मैं आऊँगा वहाँ में तो उनका बिजनेस इंटरेस्ट हट होता है, इसी के लिए वो मेरे खिलाफ है। वरना आईपीएफटी में मेरे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे एमएलएज भी हैं, बहुत अच्छे लीडर्स भी हैं, यूथ में बहुत अच्छे लीडर्स हैं, सबसे मैं पर्सनल तरीके से संपर्क करता हूँ। इन फ्यूचर आईपीएफटी से और कोई एमएलए विजन करेगा क्या सर? देखिए, मेरे घर में ज्योतिषी रहता है, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, वो आप हमारे राजपुरोहित से पूछ लीजिए। मैं भविष्यवाणी में डिपेंड नहीं करता, मुझे हमेशा मालूम था कि वृषकेतु को अगर आपने ऑप्शन दिया जाति के संग रहे या पार्टी के संग, तो वो हमेशा जाति के संग जाता है। तो जो लोग जाति के संग रहना चाहते हैं दे मोस्ट वेलकम, मैं भी रेडी हूँ। अगर पार्टी के संग पार्टी के लिए अलायंस करना है तो आप जहाँ में हैं वहीं में रहिए। अगर यहाँ पर इलेक्शन होता है अगले कुछ दिनों में, अगर इलेक्शन होता है तो वृषकेतु देवबर्मा त्रिपुरा मोथा से कैंडिडेट हो सकता है? देखिए, इसने अभी रिजाइन किया है, ये सब चीज़ समय आने में ही बात होता है, ठीक। लेकिन अगर इलेक्शन कहीं में भी त्रिपुरा में हुआ, क्यों सिर्फ शिमला में, अगर इलेक्शन म्यूनिसिपल में भी हुआ, अगर कहीं में भी हुआ, तो त्रिपुरा मोथा एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा एक उद्देश्य बनता है कि हम अपने लोगों को रिप्रेजेंट करें, हम लोग इलेक्शन ज़रूर फाइट करेंगे और हम लोग बैठ कर डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ कैसे लड़ेगा। ये तो एक ये जब समय आएगा तभी बात होगा, उसमें बात होगा। सर, आपका पार्टी जो ग्रेटर त्रिपुरा लिंक सर, ये संक्षिप्त में तो बताइए सर, ग्रेटर त्रिपुरा क्या? मैंने ये बोल दिया है, आप मेरा भाषण भी सुन लीजिए काउंसिल में, पूरा काउंसिल का भाषण है। एक आदमी को आप एक ही बात 25 बार रिपीट कराओगे तो वो आदमी भी एक बात 25 बार नहीं बोलता। आप लोग जिसको समझना है मेरा ग्रेटर त्रिपुरा क्या है वो समझ जाएगा, जिसको उसमें बुराई ढूंढना है वो बुराई ढूंढेगा, जिसको अच्छाई ढूंढना है वो अच्छाई ढूंढेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग यू आर फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स जो अगरतला में भी आते हैं, द रॉयल फैमिली ऑफ त्रिपुरा हैज़ नेवर बीन अगेंस्ट एनी कम्युनिटीज और एनी रिलीजन। आप लोग जानते होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी हमारी फैमिली ने सबसे पहले आदर किया। आज भी पैलेस में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है। आज भी अगर आप पूछेंगे कि बंगाली लैंग्वेज को सबसे पहले जो ऑनर किया गया था वो त्रिपुरा ने किया था। तो हमने कभी भी कोई कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं की। हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अपने त्रिपुरासा के लिए बात कर रहा है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। और अगर आज आप देखेंगे कि पंजाब में करतारपुर बॉर्डर होता है जहाँ से पंजाब से लोग पाकिस्तान जाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सिद्धू जाके पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। एक कल्चरल बॉन्ड होता है। आज बीजेपी ने एक लॉ पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ में जो भी हिंदू है, जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको इंडिया आने का एक मौका मिल रहा है। ये इलेक्शन के लिए नहीं, ये कल्चरल बॉन्डिंग के लिए। जब कोई बात करता है कि अखंड भारत को एक होना चाहिए जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया एक होना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पार्टी अलग अलग जगह में इलेक्शन फाइट करेगी। एक सोशो कल्चरल इकोनॉमिक फाउंडेशन होता है। तो जैसे कि सामी लोग हैं यूरोप में, 4 अलग अलग देश में हैं, लेकिन उनका एक सोशो कल्चरल एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें उनका कम्युनिटी रहता है। तो मेरा ग्रेटर त्रिपुरा यही तो बोल रहा है। आज अगर अभय नगर, नंदनगर, उज्जैनता पैलेस को आपने ग्रेटर त्रिपुरा के अंदर लाया तो क्या प्रॉब्लम है? एक मैसेज जाता है कि आज के दिन सब लोग कहते हैं कि ट्राइबल का कैपिटल है कुमुलुंग और जो नहीं है उनका कैपिटल है अगरतला। मैं चाहता हूं कि अगरतला में भी एक ट्राइबल एंटिटी हो, और जो लोग मेरे ग्रेटर त्रिपुरा को अपोज करते हैं वो लोग ही तो अलायंस में है जिस पार्टी ने त्रिपुरा डिमांड किया था, वो तो एकदम अलग बात कर रहा था। मैं तो बोल रहा हूं कि अगरतला में भी हमें जगह मिलना चाहिए,
मैं कह रहा हूँ कि हमें एक कल्चरल सोशल कल्चरल एंटिटी बनना चाहिए जहाँ में हम कम्युनिटी अपने संस्कार अपने कल्चर अपने लैंग्वेज को सामने रखें और पॉलिटिक्स बाद में करें। सर 30 में तो विधानसभा निर्वाचन शुरू होगा, डेढ़ वर्ष बाकी है, आपका पार्टी उसका पार्टी के साथ अलायंस में जाना चाहते हैं? मैं क्यों अलायंस करूँ, क्योंकि पिछले 70 साल से रीजनल पार्टी ने अलायंस किया है तो मैं क्यों अलायंस करूँ? मैं उन्हीं से अलायंस करूँगा जो राइटिंग में मुझे ग्रेटर सीप्लैंड का अश्योरेंस देंगे। खबाई लामसगो चीनी एम साहेब दो एम डीसी रुनेल तुम काका दो डेविड चीनी फाइम दो बर्मानी लगो लामसगो हाइफान तीन ओ विडियो नुगे हम बक्सा वानसुकना जे आं तीन नीप्रा मत जेन खाला हाइया बड़ो आम तीन मालाने फैगे आं रिजाइन दिवानी खनाई जे तीन बड़ो हम आरो रिक्वेस्ट फैन खाने जे तीप्रा मत मार्चिंग एलान से फायदी अब आं पार्टी जे आनी डिविशन जे लीडर्स दी बड़ो बै आं कक सालना नाई बड़ो बै कक साल बड़े आं फाइनल डिसीजन सर स्पीकर स्पीकर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट खादे खाए खादे खाए अब इट इस अपन हिम अब बी बेपार एवं आं थी गुबुनी राजनीतिक बदल हिप्रा मत हम फापन फैके अपन बोतम खाने बाबन अटोमेटिकली अब रिजाइनिंग कपली से चंगो बत्तीस पद कद माना बागे आई चेपे थाना नहीं छाले चलो पसीबल आं वैसा नौकरी फैके एम एल ए सीफी तो आं रिजाइन दिखान एम एल एज वेल एज आं पार्टी मानी अब नरक जो सोशल मीडिया नुखा कैसा पार्टी यार मैं पूरे तेईसा पार्टी पार्टी थाना अब प्रश्न नुफाई